हमारे प्यारे मोदी जी, तो जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं जिनका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं हमारे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र जी मोदी। जोहार, नंदुरबार मधील माझ्या सर्व भावना आणि बहिणांना माझा नमस्कार। मैं देव मोगरा माता की धरती को नमन करता हूं। मैं महान आदिवासी सेनानी राघोजी भांगरे को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। हम सबको प्रेरणा देने वाले जननायक कृष्णाजी राव साबले, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, उनको भी आदरपूर्वक स्मरण करते हुए प्रणाम करता हूं। साथियों, आज अक्षय तृतीया आखा तीज का शुभ पर्व है। मैं सभी देशवासियों को और खास करके मेरे किसान भाई बहनों को अक्षय तृतीया की बधाई देता हूं। आज भगवान परशुराम की जयंती भी है। मैं सभी देशवासियों को इस शुभ दिन की भी शुभकामनाएं देता हूं। और अक्षया तृतीया हो और इतने सारे लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हो, अक्षया तृतीया के जो आशीर्वाद मिलता है ना, वो भी अक्षय होता है। आज जितनी विशाल संख्या में आपका ये आशीर्वाद ये पक्का कर रहे हैं, पुनः एकदा मैं देख रहा हूं अभी भी हुजूम का हुजूम अंदर आ रहा है। साथियों, यहां नंदुरबार और गुजरात के बीच कोई दूरी नहीं है। और पहले भी मेरा खूब यहां आना जाना होता था और नंदुरबार आए और चौधरी की चाय न पिए। चौधरी की कड़क चाय यानी नंदुरबार की यादों से जुड़ जाती है और चाय का रिश्ता और आपके प्यार का कर्ज मोदी कभी भी भूल नहीं सकता। साथियों, वंचितों आदिवासियों की सेवा मेरे लिए परिवार के सदस्य की सेवा जैसी है। मैं कांग्रेस के
शाही परिवार की तरह बड़े घराने से नहीं निकला हूं। मैं तो गरीबी में ही बड़ा हुआ हूं। मुझे पता है यहां आपने कितनी तकलीफ उठाई है। हमारे आदिवासी भाई बहन यहां काफी ऊंचाई पर भी रहते हैं, पानी के लिए कैसे आपको उतरकर नीचे आना पड़ता था तब पानी मिलता था, ये माताएं बहनों को सबको मालूम है। आपके जीवन में भी मुश्किलों का पहाड़ था। कितने ही आदिवासी परिवारों के पास पक्का घर नहीं था। आजादी के 60 साल बाद भी गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी और इसलिए मोदी ने संकल्प लिया था हर गरीब को घर, हर आदिवासी को घर, हर आदिवासी के घर में पानी, हर परिवार को पानी की सुविधा। दूर सुदूर जंगलों में भी गांव क्यों न हो, हर गांव में बिजली। साथियों, हमने नंदुरबार के करीब 1.25 लाख, देखिए आजादी के 70 साल के बाद मैं कह रहा हूं, करीब 1.25 लाख गरीबों को हमने पीएम आवास पक्का घर दिया सिर्फ नंदुरबार में। और मेरा एक काम है, मैं करोगे आप लोग मेरा एक काम करोगे, ये मेरा दिली काम है, करोगे? माताएं बहनें करेगी, ये जो पीछे लोग खड़े हैं वो करेंगे? हाथ ऊपर करके बताओ, करेंगे तो मैं बताऊं करेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करना, इन दिनों आप चुनाव के लिए जब भी गांव में जाए, मोहल्ले में जाए, और अगर आपके ध्यान में आए कि भाई ये दो परिवार है उनको अभी गैस का कनेक्शन नहीं मिला है, ये दो परिवार रह गए हैं उनको नल से जल नहीं मिला है, अभी चार परिवार रह गए हैं वो तो अभी कच्ची झोपड़ी में रहते हैं, उनको पक्का घर नहीं मिला है, आप उनका नाम पता लिख लीजिए और मुझे भेज दीजिए। और मेरी तरफ से उनको गारंटी दे देना कि मोदी आए थे, मोदी ने कहा है तीसरे टर्म में मैं 3 करोड़ और घर बनाने वाला हूं, आपको पक्का घर मिलेगा, तो ये बता देंगे? देखिए, आप ही मेरे मोदी है तो करेंगे। देखिए, हमने घर दिया मतलब 4 दीवारें दी ऐसा नहीं है, हमने घर के साथ बिजली, पानी, गैस कनेक्शन भी दिया। एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र के 20,000 से अधिक गांवों में हर घर जल पहुंचाया है। मैं शिंदे जी, देवेंद्र जी को बधाई देता हूं, आपने मेरे हाथ मजबूत कर दिए। इसमें नंदुरबार के 111 गांव, जो कठिन एरिया था, वो भी शामिल है। और अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो मोदी को बहुत कुछ करना है और आपके लिए करना है। साथियों, एक तरफ भाजपा के ये प्रयास है और दूसरी तरफ एक कांग्रेस है।
कांग्रेस ने आदिवासी भाई बहनों की कभी परवाह नहीं की। आदिवासी इलाकों में सिकल सेल एनीमिया एक बड़ा खतरा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस बीमारी की तरफ उतना ध्यान ही नहीं दिया। ये बीजेपी है जिसने सिकल सेल एनीमिया को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान चलाया है। और मेरी माताएं बहने नौजवान, ये जो सिकल सेल एनीमिया के लिए मैं काम कर रहा हूं ना, वो चुनाव के लिए नहीं कर रहा हूं, आने वाली आपकी अनेकों पीढ़ियों के लिए मैं लगा हुआ हूं, ताकि उनको वो ऐसी बीमारी ना आए। कोई गरीब कुपोषण का शिकार ना हो, हमने इसकी भी चिंता की। आज नंदुरबार से के 12 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। साथियों, कांग्रेस जानती है कि वो विकास में मोदी का मुकाबला कर ही नहीं सकते, और इसलिए वो इस चुनाव में जूट की फैक्ट्री खोल के बैठ गए हैं, जूट फैलाकर वोट लेना चाहते हैं। कभी आरक्षण को लेकर झूठ, कभी संविधान को लेकर झूठ, और इन्होंने पूरा इकोसिस्टम ऐसी अफवाहें फैलाने के लिए 24 घंटे लगा के रखा है। साथियों, आरक्षण पर कांग्रेस का हाल चोर मचाए शोर, ये चोर मचाए शोर वाला है। धर्म के आधार पर आरक्षण बाबा साहब के सिद्धांतों के खिलाफ है, बाबा साहब की भावना के खिलाफ है। संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया, उसकी पीठ में छुरा भोंकने वाला ये माफ न कर सके ऐसा पाप है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनका आरक्षण छीन करके माइनॉरिटी के नाम पर अपने वोट बैंक को दे देना। और मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, मेरे पास मजबूत उदाहरण है। और इसलिए मेरे भाई बहन, आप घर घर हर एक आदिवासी परिवार को समझाइए, और मेरे आदिवासी समाज के पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप समाज को जगाइए। ये कितना बड़ा संकट कांग्रेस वाले लेकर के आए हैं। अब उन्होंने क्या किया, कर्नाटका में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया, और उन्होंने कहा रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान लोग हैं उन सबको रातों रात ओबीसी बना दिया, एक ऑर्डर निकाल दिया, मुख्यमंत्री ने थप्पा मार दिया। अब हुआ क्या, जो ओबीसी को आरक्षण मिलता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा ये रातों रात ओबीसी बन गए, उन्होंने लूट लिया। अब बताइए, ये वो आदिवासियों के लिए करना चाहते हैं, वो दलितों के लिए करना चाहते हैं, और ये कर्नाटका का मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है। एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म करने के लिए, और मैं गंभीरता से कह रहा हूं, ये महाअघाड़ी, ये महाअघाड़ी आरक्षण का महाभक्षण का महाअभियान चला रही है।
वहीं एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण बचाने के लिए मोदी महारक्षण, आरक्षण का महायज्ञ कर रहा है। मैं पिछले 17 दिन से लगातार कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे रहा हूं। मैं कांग्रेस से पूछा कि वो लिख कर दें कि वो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण उसके टुकड़े करके एक टुकड़ा मुसलमान को नहीं बांटेंगी। मेरा सवाल सही है कि गलत है भाई? सही है कि गलत है? अब वो ये मुसलमानों को देना चाहते हैं और कांग्रेस जवाब भी नहीं देती है। सच बोलो ना भाई कि हम नहीं देंगे। इसका मतलब ये इनका हिडन एजेंडा है, आपका हक लूटने का खेल है भाई। मेरे इस चैलेंज पर कांग्रेस की चुप्पी थी, यानी दाल में काला है। ये चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर कितना ही झूठ फैला ले, आपके पास मोदी का भरोसा है, आपके पास मोदी की गारंटी है। और आप लिख के रखिए, मोदी जब तक जिंदा है, मोदी जब तक जिंदा है, एससी एसटी ओबीसी में से आरक्षण का रत्ती भर भी हिस्सा मैं किसी भी धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता है। और देशवासी, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं और दायित्व के साथ कहना चाहता हूं, वंचित का जो अधिकार है, चाहे एससी हो एसटी हो ओबीसी हो, वंचित का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। मोदी की चौकीदार में, जब मोदी जैसा चौकीदार हो, किसने अपनी मां का दूध पिया है जो आपका हक छीन सकता है? साथियों, साथियों, हम तो माता शबरी की पूजा करने वाले लोग हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी आदिवासी समाज को सम्मान नहीं दिया और नहीं मिलने दिया। आदिवासी क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई में इतने बलिदान दिए, लेकिन कांग्रेस ये बलिदान की बात मानने को तैयार नहीं है। आजादी की लड़ाई का पूरा श्रेय कांग्रेस केवल एक परिवार को ही देती रही है। ये भाजपा है जो देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों पर म्यूजियम बनवा रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि हमारे पूर्वज आदिवासियों ने देश के लिए कितने बड़े बलिदान दिए थे। साथियों, आप सभी जानते हैं,
भाजपा ने, एनडीए ने आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया और पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन आपको याद रहना चाहिए वो कौन लोग थे जिन्होंने आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव हराने के लिए रात दिन एक कर लिए थे, वो कौन थे? ये कांग्रेस वाले थे जिन्होंने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए रात दिन एक किया था। और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्यों किया? और इसकी एक वजह अभी 2-3 दिन पहले ही खुली है। कांग्रेस के जो साहजादे हैं ना, उनके एक गुरु अमेरिका में रहते हैं। ये कांग्रेस के साहजादे के एक गुरु अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने भारत के लोगों पर रंगभेदी टिप्पणी की है, रंग के आधार पर भेद, ऐसा गंभीर आरोप लगाया है। अरे जिनका रंग भगवान कृष्ण जैसा होता है, कांग्रेस उन्हें अफ्रीकन मानती है। और इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने, उन्हें ये मंजूर ही नहीं था। आप लोग बताइए, यहां जो भगवान कृष्ण के रंग वाले हैं, क्या वो सब अफ्रीकन है क्या? क्या ये अपमान है कि नहीं है? क्या आदिवासी समाज का अपमान, इसका बदला लेने के लिए ये रंग की बातें कर रहे हो? साथियों, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा कितना खतरनाक है, ये शहजादे के गुरु ने इसका भी खुलासा किया है। ये शहजादे के गुरु ने अमेरिका से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण और राम नवमी का उत्सव ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, भारत के विचार के खिलाफ है। उन्होंने यहां तक कह दिया मोदी मंदिर जाता है वो भी उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। कांग्रेस, मेरा मंदिर जाना भी भारत विरोधी है। बताइए भाई, क्या मंदिर जाना ये देशद्रोह है क्या? जरा आप बताइए, देशद्रोह है क्या? क्या ये भारत विरोधी काम है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं? आप कांग्रेस की मानसिकता देखिए, ये राम के देश में राम मंदिर को देश विरोधी बता रहे हैं। ये तुष्टीकरण के लिए सरकारी इफ्तारी करने वाले लोग, ये आतंकवादियों की कब्रों को संवारने वाले लोग, ये हम सब के प्रभु राम, और जिनका राम मंदिर, जहां हम जाते हैं उस राम मंदिर जाने को देश विरोधी बता रहे हैं। मेरे भाई बहन, हम तो माता सबरी के पुजारी हैं। ये इंडी गठबंधन हमला ये मोदी पर नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की आस्था पर है। ये हमला आप पर है, ये मेरे देश के आदिवासियों पर हमला है।
कांग्रेस पार्टी देश से हिंदू आस्था को मिटाने का षड्यंत्र कर रही है। साथियों, प्रभु श्री राम जीवन के उच्चतम आदर्शों, महानतम गुणों और सुंदरतम मूल्यों के महासंगम है। भारत के अस्तित्व का आधार राम से है और भारत के भविष्य का प्रेरणा पुंज भी प्रभु श्री राम है। यही महाराष्ट्र की धरती पर ये संत आवाज उठी थी, विश्वाचा विश्राम रे स्वामी माजा राम रे, अर्थात मेरे राम तो पूरे विश्व के विश्राम है, आश्रय है। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस पार्टी वाले आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। भगवान श्री राम की सीख है, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अर्थात दूसरों की सेवा से परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और किसी को पीड़ा देना ही सबसे बड़ा पाप है। ऐसे प्रभु राम को सहजादे, उनके गुरु और कांग्रेस पार्टी इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। हमारे राम कहते हैं, कोमल चित दिनह पर दाया, मन वच क्रम ममा भगति अमाया, अर्थात जो दीन दुखियों की पीड़ा को जानता है, महसूस करता है, वही मेरा भक्त है। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है और ये भगवान राम की ही शिक्षा है। धर्मनु दुसुर, धर्मो न दुसर, सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, अर्थात सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। ये राम ही है, ये राम ही है जो सभी दीन दुखियों को, वंचितों को गले लगाकर अपने पास बैठाते हैं। सहज सहज स्नेह विवश रघुराई, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। हमारे राम जनजातीय समाज से कैसे मिलते हैं? हमारे राम जनजातीय समाज को मिलते हैं, पुरजन करी जोहारू घर आए, अर्थात राम आदिवासियों का, उनकी संस्कृति का सम्मान करते हैं, उनसे जोहार करके मिलते हैं। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। हमारे प्रभु श्री राम ने हमें सिखाया है और ये जो लोग देश छोड़कर के भाग गए हैं वो जरा कान खोल के सुन ले। हमारे प्रभु राम ने सिखाया है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च
स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात हमारी मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, यानी राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ मानती है। साथियों, ये लोग इतने अहंकार से भरे हुए हैं कि गरीब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये लोग सत्ता में रहते हैं तो गरीब को धुतकारते हैं, उसे तरसा तरसा कर रखते हैं। आज एक गरीब का बेटा आपका सेवक बन करके प्रधानमंत्री पद से ये जब काम कर रहा है, तो एक गरीब विरोधी मानसिकता वाले, शाही परिवार की मानसिकता वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये नकली शिवसेना वालों की गरीब से कितनी नफरत है, ये इन्होंने फिर बताया है। ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे, और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? साथियों, मुझे कई बार ये सोचकर दुख होता है कि बाला साहब ठाकरे को कितना दुख होता होगा। मैंने बाला साहब को निकट से देखा है, उनके मन को, दिल को छू करके मैंने देखा है। अब तो ये नकली शिवसेना वाले बम धमाके के दोषी को भी अपने साथ प्रचार में ले जाने लगे हैं। इसका मतलब हुआ कि बिहार में चारा चोरी में जेल भुगत रहे व्यक्ति को कंधे में बिठा के घूम रहे हैं, महाराष्ट्र में बम धमाकों के दोषी को कंधे पर बिठा के घूम रहे हैं। ऐसे पापियों को लेकर के जिनको चलना पड़ रहा है, इन लोगों के विषय में 50 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि मुझे उनको जमीन में गाड़ने के सपने दिख रहे हैं। ये लोग जनता का साथ, जनता का विश्वास तो गवा चुके हैं, इनकी अपनी सियासी जमीन खिसक चुकी है। लेकिन ये भूल रहे हैं कि भारत की 140 करोड़ जनता, मेरे माताएं बहनें, इतनी बड़ी तादाद में जो आई है ना, ये मेरी माताएं बहनें, यही मोदी की रक्षक है। ये मातृशक्ति मेरा रक्षा कवच है। मुझ पर मातृशक्ति का इतना आशीर्वाद है, ये लोग चाहकर भी मोदी को जीते जी भी और मरने के बाद भी जमीन में नहीं गाड़ पाएंगे। साथियों, महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता 40-50 साल से वैसे ही कुकरी मारते रहते हैं।
बारामती के चुनाव के बाद वो इतने चिंतित है, इतने चिंतित है कि उन्होंने एक बयान दिया है और ये बयान उन्होंने, मैं पक्का मानता हूं कि काफी लोगों से विचार विमर्श करके ही दिया होगा। वो इतने हताश और निराश हो गए हैं कि उनको लगता है कि अगर 4 जून के बाद सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अगर टिके रहना है तो छोटे छोटे राजनीतिक दलों को कांग्रेस में मर्ज हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये जो नकली एनसीपी है और ये नकली शिवसेना है, उन्होंने कांग्रेस में मर्जर करने का मन बना लिया है। अब आपको मैं बताता हूं, जब 4 जून के बाद कांग्रेस में जाकर के मरने के बजाय, अरे सीना तान करके हमारे अजीत दादा के साथ और शिंदे जी के साथ आओ, बड़े शान से सपने पूरे हो जाएंगे। भाइयों बहनों, 13 मई को कांग्रेस और इंडी अघाड़ी को आपका वोट ही जवाब देगा। नंदुरबार से हमारी बेटी हिना गावित जी आपकी सुख दुख की साथी है और आप जानते हैं ना, हिना मेरी कितनी मदद करती है। पार्लियामेंट में आपने देखा होगा, ये छोटी बेटी है लेकिन पार्लियामेंट में विपक्ष वालों के छक्के छुड़ा देती है। आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट देकर बहुत बड़ी जीत दिलाइए और मेरा इसके लिए आग्रह है, मतदान ज्यादा होना चाहिए। भाई करोगे? पहले मतदान फिर जलपान, मंजूर है? अच्छा मेरा एक काम करोगे, मेरा एक काम करोगे, जरा हाथ ऊपर करके कहिए, माताएं बहनें बताइए, मेरा एक काम करोगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करोगे। देखिए, घर घर जाना और लोगों को कहना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।